कहते हैं गीता में, ये जो जगत है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। करेक्ट, ये जगत के दो लक्षण बताए ना आठवें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आगार है ये। ठीक है, दुखों का आगार है मतलब घर है दुखों का, भंडार है ये। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो किताबें भरी पड़ी रहती हैं, राइट। हाँ, आप गोदाम में जाएंगे तो अनाज भरे पड़े रहते हैं, ये संसार में दुख का भरे पड़े हैं, राइट। दुखालयम है ये, और इसमें थोड़ा थोड़ा सुख मिल जाता है कभी कभी। तो भगवान तुरंत सचेत कर रहे हैं, अशाश्वतम, वो परमानेंट नहीं है, चला जाएगा, आज नहीं तो कल वो सुख चला जाएगा। सो आप ऑलरेडी दुख के संसार में है। देखिए, कोई कोई रेगिस्तान में है, ठीक है, बहुत कष्ट है, नीचे क्या कहते हैं, सैंड सैंड रेत तप रही है, ऊपर से धूप आ रही है, लू चल रही है, उसमें आपको एक गिलास पानी मिल गया, आपने पी लिया, लेकिन कितनी देर तक रहेगा उसका असर? 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के, फिर से प्यास लगेगी। तो आपको जो सुख मिला, एक गिलास पानी पी लिया और अब मैं जिंदगी भर कभी भी प्यासा नहीं रहूंगा, ऐसा तो है नहीं। जो भी सुख मिला वो थोड़े थोड़ी देर के लिए मिला ना, तो अशाश्वतम है ये सुख। और इस संसार में हम कुछ सुख अगर संभाल के रखे, नहीं, इस प्याले को मैं संभाल के रखूंगा, 2-4 घंटे में तो ऐसे ही उड़ जाएगा वो भाप बन के, तो संजो के भी नहीं रख सकते। आप पी लेंगे तो भी खत्म होगा और उसका सुख भी खत्म होगा, नहीं पियेंगे तो वैसे ही खत्म होगा। अगर वो कायम भी रहा धूप से, आप खत्म हो जाएंगे। सो एक ना एक दिन, लोग इतनी मेहनत से घर बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब, यू नो, प्रॉपर्टी सब एकत्रित करते हैं, बैंक बैलेंस एकत्रित करते हैं, वो सब रहता है लोग चले जाते हैं, है कि नहीं? तो कितने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी जायदाद। अब कभी ऐसा किसी के घर के सामने जाएंगे, बड़ा बंगला, बोलेंगे ये ना मिस्टर एक्स वाई जेड ने बनाया था, वो कहाँ है? नहीं। सो घर रह गया, वो चले गए। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं, यू नो, एक जमाने में ऐसा मेरा बंगला हुआ करता था, अब चला गया, अब मैं झोपड़ी में रहता हूँ, पूरे कर्मा बदल गए। सो या तो वस्तु हमें छोड़ के जाएगी या हम वस्तु को छोड़कर जाएंगे, कोई भी परमानेंट नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अशाश्वतम। सो भगवान ने पूरा संसार ऐसा बनाया है, दुखालयम अशाश्वतम। अब इसमें किसको सुख मिलेगा? अरे, इसमें किसको सुख मिलेगा? 14 अध्याय में 19 और 20 नंबर का श्लोक है, ठीक है, इसके बाद हम एंड करेंगे। सो भगवान बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं 14 अध्याय में 19 20 नंबर। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो उसको पता चल गया ये संसार भी है एक तरफ, करेक्ट, और दूसरी तरफ परमेश्वर भी है। सो हमको किसके शरण में जाना है? परमेश्वर के शरण में जाना है। हाँ, सो जब कोई ये जान लेता है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इस संसार में रहते रहते ही वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया। अब जो ज्ञानी लोग आलोचना करते हैं भक्तों की संकीर्तन करते हुए, उनको क्या पता है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है, इस आत्मा के ऊपर एक परमेश्वर भी है जिनके साथ हमको जुड़ना है, इसलिए उनका योग अधूरा रह जाता है, उनका जो सुख है वो अधूरा रह जाता है। अब आगे देखिए 20 नंबर में, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। सो जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम, उसको प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब उसका मन जो है वो भगवान में जुड़ गया है, स्थिर हो गया है। करेक्ट, जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है, अब उसको संसार के कष्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। हमें क्या कष्ट प्रभावित करते हैं? शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान। सर्दी गर्मी शरीर को लगता है, शीत उष्ण लग गया, अभी शीत शुरू हो गया तो सबको शीत लग रहा है, ठीक है, जून जुलाई के महीने में फिर उष्ण लगेगा, नहीं? सो सब इससे भी कष्ट में है, उससे भी कष्ट में है। फिर सुख दुख, प्रिय वस्तु प्राप्त हुई तो एकदम सुखी हो गए, फिर कोई प्रिय वस्तु हाथ से चली गई तो दुखी हो गए,
कभी कोई अप्रिय वस्तु आ गई तो भी दुखी हो जाते हैं ना। तो शीतोष्ण है, सुख दुख है, फिर मान अपमान, किसी ने प्रशंसा कर दी, ओ आप बहुत अच्छे भक्त हैं, मजा आ गया आज तो, किसी ने हमारे सामने दूसरे की प्रशंसा कर दी, ओ मैं भी इतनी सेवा करता हूँ, मैं भी तो रेगुलर आता हूँ, मेरे तो कोई प्रशंसा ही नहीं करता है, करेक्ट, मेरे मेरे सेवा की, मेरे भक्ति की तौहीन हो गई है, तो तो ये सारी चीजें शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इन सब से परे हो जाता है। क्यों? हम इन सब ये शरीर से जुड़ी चीजों से हमारा लेना देना नहीं, हमारा लेना किससे है? भगवान से है।